नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों फ्राइडे को हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसपे हम लोग हर फ्राइडे को एक डाउट सेशन रखेंगे जहां पर आप अपने कमेंट सेक्शन पे हमसे सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। जो भी आप पूछना चाहते हैं वो स्टॉक्स से रिलेटेड नहीं होगा, बट उसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं और हम संडे को आपका रिप्लाई करेंगे। सो संडे आ चुका है, सो पर्टिकुलर बहुत सारे क्वेश्चंस थे, अराउंड 100 कमेंट्स थे, तो उसमें से बहुत ज़्यादा स्टॉक से रिलेटेड भी थे या आप इससे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस बनाओ, तो वो सारे मैंने आप लोगों को बोला था कि आप ये स्टॉक कमेंट्स मत लिखिएगा, तो हमने उन्हें इग्नोर करा है। और जिन्होंने बोला है कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ, उन्हें हमने देख लिया और उनकी वीडियोज़ भी हम बनाएंगे। और बहुत सारे थे तो सेम क्वेश्चंस थे, तो हम लोगों ने टोटल 26 क्वेश्चंस लिए हैं जिनका मैं यहाँ पर रिप्लाई करूँगा। सो आप लोगों को भी पता चलेगा और आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले स्टॉक की तरफ, पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आया है सोहिल जी का, इनके आई हैव 3 क्वेरीज। व्हाट अमाउंट यू सजेस्ट फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स? व्हिच वेबसाइट इज गुड फॉर कैंडलस्टिक पैटर्न? डू यू ट्रेड इंट्राडे ऑन बेसिस ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न शूटिंग स्टार? वी नीड अ वीडियो ऑन ट्रेडिंग ऑन बेसिस ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, सो सबसे पहले वाले का मैं आपका अगर आंसर दूं, सो हाउ मच अमाउंट यू सजेस्ट फॉर इंट्राडे? सो आई सजेस्ट 40,000, ठीक है, 40,000 मिनिमम आई सजेस्ट यू स्टार्ट विद। ओके, आप 40,000 से इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डेफिनेटली जो आपकी ग्रोथ है ना वो हल्के हल्के बढ़ेगी। क्या होता है कि आप लोग 10,000 से 5,000 से स्टार्ट करते हैं, सो उसकी वजह से क्या होता है कि आप 20 रुपये, 10 रुपये कमा पाते हैं, 50 रुपये कमा पाते हैं, और फिर उतना ही आपको ब्रोकरेज भी देना पड़ जाता है। सो उस हिसाब से हम क्या कहते हैं कि 40,000 मिनिमम होना चाहिए, और उससे अगर आप स्टार्ट करेंगे बेसिक नॉलेज के साथ, नॉलेज होनी चाहिए तभी स्टार्ट करिएगा और तब आपके लिए इनफ रहेगी। तो मेरे पास भी अगर कोई लोग आते हैं पेड सर्विस के लिए, वो पूछते हैं मिनिमम कैपिटल क्या चाहिए, तो हम भी उन्हें 40,000 ही बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच वेबसाइट इज़ गुड फॉर कैंडलस्टिक पैटर्न? और थर्ड और सेकंड का मैं आंसर आपको दे देता हूँ। अगर आप ट्रेडिंग व्यू, देखिए आपको पता है कि मैं ट्रेडिंग व्यू पे ही आप लोगों को कॉल्स प्रोवाइड करवाता हूँ, ट्रेडिंग व्यूज के थ्रू ही मैं अपने चार्ट्स को एनालाइज करता हूँ। सो ट्रेडिंग व्यू पे एक इंडिकेटर का जो सेक्शन है, इंडिकेटर के सेक्शन पे आपको वहां पर दिख जाएगा एक कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर आपको एक इंडिकेटर दिख जाएगा। अब वहां पर उसे क्लिक करेंगे तो चार्ट्स पे जो भी आप ये पैटर्न्स बोल रहे हैं ना, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, बियरिश इनगल्फिंग, इनसाइड कैंडल, ये सारे आपको ऑलरेडी उस पे मतलब स्क्रीन पे विजिबल हो जाएंगे कि इस पर अगर आपने, फॉर एग्जांपल आपने HDFC बैंक का चार्ट ओपन करा है, ठीक है, और आप अभी जाते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, इंडिकेटर्स पे क्लिक करते हैं, इंडिकेटर्स पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न दिख जाएगा, और अगर आप उस पे क्लिक करते हैं तो HDFC बैंक के चार्ट पे जितने भी शूटिंग स्टार बने होंगे, इवनिंग स्टार बने होंगे, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न्स बने होंगे, वो सारे आपको विजिबल हो जाएंगे और आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप बोले कि मैं इसके थ्रू देखकर ट्रेड करता हूँ, तो नहीं, मैं इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं करता, मैं सिर्फ एक डोजी के बेसिस पे या इनसाइड कैंडल के बेसिस पे ही ट्रेड करता हूँ, ठीक है, मैं इसी के बेसिस पे सिर्फ रिवर्सल्स को फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सर, एज अ इंट्राडे ट्रेडर व्हाट अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शुड बी कंसीडर्ड एज अ रीजनेबल प्रॉफिट? प्लीज एडवाइज मी, आई एम अ बिगनर एंड रियली स्ट्रगल टू फाइंड आउट एग्जिट पॉइंट्स। सो देखिए मैं बता देता हूँ, अगर आप परसेंटेज वाइज प्रॉफिट चाहते हैं तो आप अपनी कैपिटल, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं 40,000, ठीक है, तो 40,000 का अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप, मैं जनरली क्या करता हूं, मैं आपको बताता हूं, जो मेरी इन्वेस्टमेंट है जो मैं इंट्राडे में करता था, मैंने अभी इंट्राडे दोबारा भी के लिए बंद कर रखा है इस महीने से। सो मैं जो इंट्राडे करता था, मैं क्या एम लेकर चलता था कि जो मेरी कैपिटल है, फॉर एग्जाम्पल मेरी कैपिटल अगर 40,000 है, तो मैं उसका 1 से लेकर 2% के बीच में डेली कमाऊँगा, ठीक है, 1 से लेकर 2% के बीच में मुझे डेली अर्न करना है अपनी कैपिटल का। अगर मैं इसका 1% बोलूं तो 400 से लेकर 800 के बीच में मुझे डेली अर्न करना है, और इतना ही मेरा लॉस होगा। ये मेरा प्रॉफिट है और यही मेरा लॉस है, ठीक है, बट मैं जर्नली इसको फॉलो करता हूं, बट सबसे पहली जो मेरी प्रायोरिटी है वो है चार्ट्स। अगर चार्ट्स पे कोई मेरा टारगेट या मेरा स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर लेवल से, जो मेरी प्रॉफिट परसेंटेज या मेरा लॉस का परसेंटेज है डेली कॉल में, एक पर्टिकुलर स्टॉक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा कि मुझे पूरा, अगर मैं 5 ट्रेड लेता हूँ तो 5 को मैं 400 से डिवाइड कर देता हूँ, नहीं, मैं एक स्टॉक की बात कर रहा हूँ,
कि मुझे एक स्टॉक पे 400 से 800 रुपए का रिटर्न अर्न करना है, ठीक है। और अगर आपको ये चीज़ एप्लीकेबल करनी है तो आप चार्ट्स पे अगर आप टारगेट और स्टॉप लॉस फाइंड करेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? अगर आपको पता लगा कि यार ये HDFC बैंक का स्टॉक है और इसका जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो आ रहा है 10 रुपये नीचे, बट अगर 10 रुपये का मैं स्टॉप लॉस लेकर चलता हूँ तो जो मेरा रिस्क है वो 800 की जगह हो जाएगा 1600 रुपये का। सो क्या मैं लेकर चलूँ? अगर आपको लगता है कि हाँ ये प्रॉफिटेबल ट्रेड देकर जा सकता है तो हाँ आप लेकर चल सकते हैं। मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी ये रहती है और उसके बाद मैं अपना ये रिस्क मैनेजमेंट करके चलता, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ नेक्स्ट पर्टिकुलर कमेंट की तरफ आते हैं। भाई टेल मी फ्रॉम व्हेन आर यू इन स्टॉक मार्केट एंड हाउ यू चूज योर स्टॉक्स, इज देयर एनी स्क्रीनर एज एंड एज अ बिगनर फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट? अच्छा, सो व्हेन आर यू इन द स्टॉक मार्केट, सो बेसिकली मैं 11th क्लास से स्टॉक मार्केट पे हूँ, तो अगर मैं बताऊँ तो मुझे अराउंड 4 to 5 years हो चुके हैं अप्रॉक्स, और मुझे 4 to 5 years होने वाले हैं स्टॉक मार्केट पे। सो बेसिकली जो मेरे को ख्याल आया था स्टॉक मार्केट पे एंटर करने पे, जब हमारा 11th क्लास पे शेयर्स का चैप्टर था अकाउंट्स पे, सो उसके थ्रू मुझे एक इंटरेस्ट जागा था और तब मैंने स्टार्ट करा था और हल्के हल्के करते करते मुझे फिर अब नॉलेज गेन हो गई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ यू चूज योर स्टॉक्स, इज देयर एनी स्क्रीनर? नो, कोई स्क्रीनर नहीं है, सिंपल पैटर्न्स। देखिए, जब मैं आप लोगों के लिए इंट्राडे के लिए स्टॉक्स रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को डेली बेसिस पे, सो वहाँ पर मैं क्या कोई स्क्रीनर यूज़ करता हूँ? मेरे क्या है, मेरे वॉच लिस्ट पे जो भी स्टॉक का नाम मेरे सामने आ जाता है, चाहे मैंने उसके बारे में सुना हो या ना सुना हो, चाहे CNBC आवाज़ में कोई उन्होंने स्टॉक रिकमेंड कर दिया और वो नाम मैंने नहीं सुना, तो मैं अपने आप सीधा उन्हें वॉच लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ। और जब भी मुझे उस पर कुछ पर्टिकुलर पैटर्न दिखता है या फिर मुझे कुछ दिखता है उस चार्ट के अंदर, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ और मैं उसी बेसिस पे स्टॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ। सो अगर आप बिगनर है तो मैं आपको कहूँगा कि आप अपना पहले टेक्निकल एनालिसिस सीखिएगा और उस बेसिस पे आप डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले लर्न करना सीखिएगा तभी अर्न कर पाएंगे, ठीक है। और ये बात को समझिएगा, अगर आप बिगनर हैं या नहीं है, हमेशा स्टॉप लॉस और टारगेट को लेकर ही ट्रेड करिएगा। ये नहीं कि आपको पता तो है कि आपको एंट्री कहाँ करनी है, बट आपको ये नहीं पता आपको एग्जिट कहाँ करना है, ठीक है। होता क्या है जनरली कि वो लोग एंट्री अच्छे प्राइस पे कर लेते हैं और उनको प्रॉफिट भी दिखा रहा होता है, बट उन्हें ये नहीं पता होता कि एग्जिट किस प्राइस पे करना है और वो इवेंचुअली उन्हें लॉस दे जाता है। सो अपना एंट्री करने से पहले प्रॉफिट देखो कि मेरा प्रॉफिट कितना है और मेरा स्टॉप लॉस कितना है। सीधा ब्रैकेट ऑर्डर पे जाओ और ब्रैकेट ऑर्डर पे अपना टारगेट और स्टॉप लॉस प्लेस कर दो और उसके बाद आप उसे मत देखो। इसी से आप थोड़ा बहुत अर्न कर पाओगे और मार्केट पे स्टेबल रह पाओगे। Do you have any other source of income or only you making through market? If yes, how much you earn monthly from market and what is your capital and how you manage losses? So other source of income नहीं, मैं बता देता हूँ, मेरा basically सिर्फ market से related है, A to Z जो मैं market पर काम करता हूँ। Market includes YouTube, market includes paid calls और ये basically जो भी सारा है। So मैं market के through ही earn करता हूँ। इफ़ यस हाउ मच यू अर्न मंथली फ्रॉम द मार्केट, अब ये तो बताने वाली चीज़ नहीं है। और हमें आप लोगों को क्या करना कि मैं कितना कमाता हूँ, दूसरे कितने कमाते हैं। मैं तो हमेशा YouTube पे वीडियोस देखता हूँ कि यहाँ पर आते रहते हैं कि एक मैंने डेली 1 lakh का प्रॉफिट अर्न करा, मैंने डेली 5 lakh का प्रॉफिट अर्न करा। तो अब मैं अगर रीच करने लग जाऊँगा कि मुझे भी इतना कमाना है, मुझे भी इतना कमाना है, तो जो मैं अपना पेशेंस लेकर चल रहा हूँ, जो मैं अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा हूँ, मैं उससे गवा जाऊंगा। और गलती से मुझे एक दिन फ़ायदा भी हो गया तो उसके बाद फिर मेरा जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाएगा और इन दी एंड मैं हर महीने लॉस में निकलूंगा। सो मुझे रीस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जितना कमा रहा हूँ मैं उतना खुश हूँ, मैं उसमें जितना मैं कमाता हूँ मैं उतना खर्च कर देता हूँ, तो मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने प्रॉफिट या अपने अर्न के ऊपर ही ध्यान देंगे तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। मुझे मतलब नहीं कि एक बंदा 100 करोड़ कमा रहा है दिन में या कुछ भी कर रहा है। जो अब आपका आता है कि व्हाट इज़ योर कैपिटल, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। इंट्राडे पे अगर मैं बताऊँ तो इंट्राडे ही करता था मैं बेसिकली 3-4 साल से। मैं बेसिकली स्विंग या होल्डिंग्स नहीं रखता था, बहुत कम रखता था, और ये साल आने पे ही मैंने अपनी स्विंग ट्रेडिंग और होल्डिंग्स को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया है और ज़्यादा उस पर फोकस्ड करा और इंट्राडे को बंद कर दिया था। और जुलाई पे ही मैंने अपना दोबारा इंट्राडे स्टार्ट करा था और वही एक महीना मैंने करा और उसके बाद भी मैंने बंद कर दिया। उसके पीछे का रीज़न ये है
कि मेरे को YouTube वीडियोस बनानी पड़ती है, जो पेड क्लाइंट्स हैं उन लोगों को कॉल्स प्रोवाइड करानी पड़ती है, और मेरे को अपनी खुद की भी स्टडीज़ करनी पड़ती है, मेरे सुबह लेक्चर्स भी होते हैं जो मुझे पढ़ने होते हैं, तो उसके बेसिस पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था, और उसकी वजह से मैंने सोचा कि इंट्राडे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा बैठो आराम से सो रात को अच्छी सी नींद पे और स्टॉक को पढ़ रहने दो। नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं, नेक्स्ट पर्टिकुलर आता है सतीश का। हेलो ब्रो, आप स्विंग ट्रेड के लिए फर्स्ट हमें क्या देखना चाहिए? देखने से हमें पता चले कि ये एक्स वाई जेड स्टॉक एक वी में किस प्राइस तक जा सकता है। क्योंकि मैं बिगनर हूँ, हर बिगनर को पहले अपना रिस्क मैनेज सीख के कैपिटल को इनक्रीज करना है, बाद में इंट्राडे में बाय और सेल कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन हर बिगनर को यूज़ होगा, ब्रो आंसर दीजिए प्लीज़, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। देखिए, आपका क्वेश्चन है आप स्विंग ट्रेड के लिए फर्स्ट हमें क्या देखना चाहिए। देखिए, मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि बेसिकली पैटर्न्स के बेसिस पे मैं अपनी पूरी एनालिसिस करता हूँ। मैं जो भी स्टॉक्स रिकमेंड करें आज तक, क्या मैंने कोई पैटर्न्स के अलावा कोई स्टॉक रिकमेंड करें हैं? क्या मैंने आपको बोला कि एक ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, आप सेल कर दो, मतलब ये कैंडल इस तरीके से बन रही है, इसका ये कैंडल इस बड़ी बन गई है तो इसके नीचे मैं शॉर्ट कर दूंगा? नहीं, मैंने आपको बोला कि एक चैनल बन रहा है या एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल बन रहा है या एक रेंज है या फ्लैग पैटर्न है, तभी आप लोगों को रिकमेंड करा जाता है। आप पैटर्न्स पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपको पैटर्न्स देखना आ जाए तो आप 5 मिनट का यूज़ करके टाइम फ्रेम पे इंट्राडे कर सकते हैं, डेली और वीकली का टाइम फ्रेम यूज़ करके आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। अब आप पूछ रहे हो कि कितना टाइम लगता है उस प्राइस को वहाँ तक जाने में, वो कैसे पता करें? वो पता करते हैं कि उस पैटर्न को बनने में कितना टाइम लगा है। वो पैटर्न को बनने में जितना टाइम लगा है उसका 25% टाइम तक वो अपने टारगेट तक पहुँच जाता है। ठीक है, मिनिमम हम लेकर चलते हैं 25% के टाइम तक वो अपने टारगेट तक पहुंच जाता है। सो उस बेसिस पे मैं आप लोगों को बताता हूं, 1 हफ्ता 3 दिन 1.5 महीना होल्ड करके रखिएगा। ठीक है, सो रिस्क मैनेज करना है तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो कैपिटल है उसका ही 1-1.5% आप खुद डिसाइड करिए आप कितना रिस्क लेकर चल सकते हैं, उतना प्रॉफिट लीजिए उतना आप रिस्क लीजिए। बाय चांस अगर आपको 400 रुपये का आपका रिस्क है और आपको लॉस हो जाता है तो आपको मार्केट से एग्जिट कर जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको लॉस रिकवर करने के बारे में नहीं सोचना है। दूसरी बात, नेक्स्ट डे जब आप मार्केट पे आए तब आपको ये सोच के नहीं आना कि जो मेरा पिछले दिन का 400 है पहले मैं उसे कवर करूंगा उसके बाद मैं आज के दिन का 400 रुपये अर्न करूंगा। ये करके चलेंगे आप, महीने में आपकी कैपिटल माइनस पे ही निकलेगी। ठीक है, कभी भी ये मत सोच के चलिए पास्ट में मैंने ऐसा करा तो मुझे पहले उसको सुधारना है, मैं तभी फ्यूचर में अपना ट्रेड ले पाऊंगा। ये कभी मत करिएगा, आपको लॉस हो कोई बात नहीं, नेक्स्ट दिन भी उसी की तरह तैयारी करो जो आपने पहले तैयारी करी थी और उसी तरीके से चलोगे, एक ट्रेडिंग प्लान बना के चलोगे, आप डेफिनेटली प्रॉफिट लेकर ही निकलोगे। सागर का आया है, हेलो सर, थैंक्स फॉर ऑल द नॉलेज शेयरिंग, आई कैन आइडेंटिफाई चार्ट्स इन पैटर्न्स एंड चार्ट्स एंड ऑल्सो प्रिडिक्ट द प्रॉफिटेबल ब्रेकआउट प्रोबेबल ब्रेकआउट बट आई डोंट नो हाउ टू सेट टारगेट एंड स्टॉप लॉस। ओके, सी फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई वॉट द पैटर्न इज मेकिंग एंड वॉट इज द पैटर्न। सी, अगर पैटर्न एक चैनल है, ठीक है, और ये ब्रेकआउट देता है तो अब चैनल एक सीधा अप मूव और सीधा डाउन मूव तो देता नहीं है, चैनल किस तरीके से काम करेगा यहां पर देखिएगा। इस तरीके से ही चैनल काम करता है, इसी तरीके से चैनल काम करता है, सीधे तो बढ़ता नहीं है। अब इसका ब्रेकआउट दे चुका है, यहां पर ब्रेकआउट दे गया, अब आपको टारगेट स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है सबसे पहले ये देखिए। देखिए बहुत तरीके हैं, सबसे पहला है स्विंग लो, जो प्रीवियस स्विंग लो है, मैं ये नहीं कह रहा प्रीवियस कैंडल, मैं कह रहा हूं कि जो ट्रेंड, जैसे ये वाला लो नहीं माना जाएगा, ये लो माना जाएगा, जो प्रीवियस लो से है, स्विंग मतलब जहां से एक रिवर्सल आया है, ठीक है, उसको आप एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं। मैं अभी स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूं, या फिर आप ले सकते हैं, देख सकते हैं ये मार्केट है एक रेंज के अंदर है, एक ऐसी चीज आइडेंटिफाई करिए जहां से वो स्टॉक कभी नीचे नहीं जाता। अब जैसे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं आप लोगों के लिए, यहां देखिएगा, ये देखिए, अब जैसे मैंने एक ये लाइन ड्रॉ करी, अब यहां पर ब्रेकआउट दे चुका, अब आप यहां देख सकते हैं इस लाइन पे यहां पर ये रेजिस्टेंस मिलता था, जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया तो यहां सपोर्ट, इधर सपोर्ट, जब नीचे तोड़ा तो ये रेजिस्टेंस। सो बेसिकली ये वाली जो लाइन है एक इंपॉर्टेंट लाइन है एक रेंज के अंदर, तो आप इसको इसके 2-3 रुपए नीचे अपना स्टॉप लॉस मान सकते हैं।
ठीक है, इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। अगर अगर ये मैं आपको बोलूं कि ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर काम कर रहा है और यहाँ पर ब्रेकआउट देता है, तो ये तो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आपको जो सपोर्ट लाइन दिखती है ना, एग्जैक्ट सपोर्ट लाइन पे कभी भी अपना स्टॉप लॉस मत रखा करिए, उससे 2-3 रुपए नीचे रखा करिए, ठीक है। जनरली होता क्या है, स्टॉक ऊपर जाके सपोर्ट लाइन को छूता है, मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और वो स्टॉक ऊपर बढ़ जाता है। सो इसको बचाने के लिए आप अपनी सपोर्ट लाइन से 2-3 रुपए नीचे स्टॉप लॉस रखा करिए और उससे आप बच सकते हैं। अब ब्रेकआउट के टारगेट की बात करें तो पीछे देखा करिए, पीछे चार्ट पे अगर कोई भी स्विंग हाई है, जो कि पीछे स्विंग हाई बना रहा होगा, फॉर एग्जांपल ऐसे मार्केट आ रही है तो ये स्विंग हाई एक है, तो इसका आप अपना एक टारगेट लेकर चल सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से काम कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आते हैं, सर डीमैट अकाउंट के CDSL चार्जेस कितने हैं प्लीज़ बताओ ना। देखिए अप्रॉक्स में बताऊँ तो 14-15 रुपये के आसपास ही हैं, प्लस जो 18% GST टैक्स कटता है उसी से उससे ज़्यादा नहीं होंगे, 14-15 रुपये हैं और जो 18% GST कटता है, और वो बेसिकली जो है CDSL जो डिपॉजिटरी DP चार्जेस होते हैं वो लेजर में शो करते हैं आपके, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट्स जो होते हैं ना उस पर शो नहीं करते हैं, ठीक है। क्या हम स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट सेल कर सकते हैं? हाँ आप कर सकते हैं, आप फ्यूचर में कर सकते हैं या फिर आप ऑप्शन का पुट ले सकते हैं, आप कैश में नहीं कर सकते। जैसे कि आपका मैंने ये पढ़ रखा था, जैसा आप बता रहे थे कि हम 100 शेयर सेल करके चल लें कैश में, अपनी होल्डिंग्स में रख लें, तो वो आप नहीं कर सकते, आप सिर्फ बाय कर सकते हो होल्डिंग में। और अगर आप सेल करना चाहते हो तो आप फ्यूचर या ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो, और वो भी मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे आपका जो है वो अपना आप प्रॉबेबली एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। यू आर ग्रेट नॉलेज इन ट्रेड ड्यू टू आई फॉलोइंग लास्ट 3 months योर प्रेडिक्शन 100% गिवन results, थैंक यू सो मच, सो आई रिक्वेस्टेड प्लीज मेक अ क्रूड ऑयल स्ट्रैटेजी। ओके, सो मैं बेसिकली क्रूड ऑयल पे भी ट्रेड करता हूँ, तो मैं क्रूड ऑयल की भी अब स्ट्रैटेजीज कोशिश करूंगा कि शेयर करने की कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है। सर आप ट्रेडिंग कैसे करते हैं, पोजिशनल स्विंग इंट्राडे या स्कैल्पिंग? स्विंग और पोजिशनल। सर आपके पास मेंबर ज्वाइन बटन कोई प्लान नहीं है? ये है, आ जाए तो मज़ा आ जाए, इसमें हम राइट टाइम पे राइट स्टॉक राइट प्लेस पे बाय कर सकते हैं। हाँ मेरे पास ज्वाइन बटन है, मैंने अभी तक उसे अनेबल नहीं करा, मुझे उसका इम्पोर्टेंस समझ नहीं आया कि उसे अनेबल कर भी लूँगा तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है, सो उसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्या करके क्या होगा, किस तरीके से क्या प्लान्स बनाते हैं वो सब करते हैं। सो अगर आप लोगों को कुछ पता होगा तो आप रिकमेंड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के नीचे, सो मैं देख पाऊंगा। जो भी आप लोग चाहते हैं कि मतलब आप लोग क्या बेनिफिट्स चाहते हैं उससे रिलेटेड अगर मैं बनाऊं, तो आप लोग ही मुझे बताइए कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको चाहिए, मैं उससे रिलेटेड एक ज्वाइन बटन बना सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, सर मैं अभी बाइंग नहीं कर पाता शेयर मार्केट पे, डर लगता है सेल से, आंख बंद करके मैं बाय कर लेता हूं। तो अच्छा, इनका क्वेश्चन ये है कि सर जब मैं सेल करने, जो मेरे पास खुद का एक सिस्टम है, इनका क्वेश्चन ये था कि मेरे पास खुद का एक ट्रेडिंग सिस्टम है जो मुझे बता देता है कि कब बाय या कब सेल करना है। सो वो बोलता है जब सिस्टम की मुझे सेल करना है तो मैं फटाक से सेल कर देता हूँ, मैं बिना देखे सेल कर देता हूँ और मुझे प्रॉफिट हो जाता है। बट जब सिस्टम मेरा बोलता है कि स्टॉक को बाय करिए, तब मुझे डर लगता है, मार्केट ऊपर भी होती है और मुझे डर लगता है कि मार्केट अगर मैं बाय करूंगा तो नीचे ना आ जाए, इनका ये क्वेश्चन है। देखिए इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या है, जब आप सेल करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप सेल करते हैं तो कितनी क्वांटिटी करते हैं, 500 क्वांटिटी करते हैं, ठीक है। अब आपको कोई बाय सिग्नल दिखाता है अगर आपका सिस्टम, तो आप क्या करिए, 200 क्वांटिटी को बाय करिए, ठीक है, आधी से भी कम क्वांटिटी को बाय करिए, 3-4 ट्रेड बाय के लीजिए जो आपको सिस्टम बता रहा है। अगर आपका सिस्टम आपको बाय का ट्रेड बता रहा है और ये 3-4 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल निकलते हैं, तो आपका डर अपने आप खत्म हो जाएगा, फिर आपको चिंता करने की बात ही नहीं है। आपको डर निकालना कैसे है, उस पर ट्रेड लेके उसको इम्प्लीमेंट करके। तो 500 शेयर अगर आप सेल करते हो तो क्या करो, जब बाय का सिग्नल दिखाए तो 100 या 50 शेयर अपने बाय करो और देखो क्या सिस्टम बता रहा था उस हिसाब से चला। 5-6 बार अगर आप करोगे और आपका डर अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल होते हैं, ये एनालिसिस आपको प्रोवाइड हो जाएगी। हाय मैं निखिल, मैं मई मंथ में इंट्राडे करता था और मेरी जो स्टॉप लॉस ना लगाने की गलती से 70,000 का लॉस किया है, और मैं अभी वापस ट्रेडिंग चालू करना चाहता हूं और आपकी वीडियो से मुझे जोश मिलता है।
सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिना स्टॉप लॉस लगाए किस तरीके से लॉस हो सकता है। क्या होता है, नए नए जो ट्रेडर्स होते हैं वो बोलते हैं कि यार ये स्टॉक ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, मैं बाय कर लेता हूँ, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता। उस वजह से क्या होता है कि स्टॉक इस तरीके से नीचे आता है। फ्राइडे की मार्केट को ही देख लीजिए, किस तरीके से 5 मिनट के अंदर मार्केट पे एक शार्प फॉल आ गया और वहां पर कितने लोगों का लॉस हुआ होगा जिन लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं पुट करा होगा। सो आप देख सकते हैं कि बिना स्टॉप लॉस लगाए आप मार्केट पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। शिवांश ब्रदर, हाउ यू फाइंड करेक्ट एंट्री इन अ ब्रेकआउट स्टॉक? बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों को मैं हर वीडियो पे बता चुका हूँ अपनी डेली एनालिसिस की जो मैं वीडियो लेकर आता हूँ। देखिए कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को मानना जरूरी होता है। ब्रेकआउट स्टॉक है, ये चैनल है, इस चैनल का ब्रेकआउट दे दिया, जो एक कैंडल ने एक ब्रेकआउट दिया है। मैं इस कैंडल के ब्रेकआउट पर बाय नहीं करूँगा, मतलब आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर जब दूसरी कैंडल क्लोज कर जाएगी, बॉडी क्लोज करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बॉडी क्लोज कर जाएगी, यहाँ पे क्लोजिंग आ गई, अब मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, वरना मैं यहाँ पर बाय करूँगा, वरना मैं वेट करूँगा रीटेस्ट पे आने का, ठीक है, और मैं यहाँ पर बाय करूँगा। अब जनरली मैं यहाँ पर बाय तब करूँगा, फॉर एग्जांपल 200 रुपये का ब्रेकआउट आया है, सेकेंड कैंडल जो क्लोज हुई है वो हुई है अराउंड, मैं मान के चलूँ 202 पे, तो मैं अपनी बाय पोजीशन बना सकता हूं। बट अगर यही चीज इसका जो दूसरी कैंडल बनती वो अगर बनती 210 रुपए में, तो मैं बाय नहीं करता, क्योंकि 5% का रिस्क तो यही आ गया और नीचे मेरा स्टॉप लॉस का रिस्क अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं नहीं करता, मैं जनरली बाय इस ब्रेकआउट पे भी कर सकता हूं, बट मैं क्या करता हूं, मैं प्रीवियस स्टडी करता हूं, क्या कभी ऐसे अगर ब्रेकआउट्स आए हैं एक रेंज के अंदर से इस पर्टिकुलर स्टॉक पे, तो क्या वो एक कैंडल के बाद ऊपर गया है, क्या वो उसने फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं दिया है। अगर प्रीवियस चार्ट्स पे मैं जाके स्टडी करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं HDFC बैंक की ही बात कर लूँ, मैं उसके प्रीवियस चार्ट पे जाऊँगा 1-2 साल पुराने, और वहाँ पर मैं जब चैनल के अंदर देखूँगा कि कोई ब्रेकआउट दे रहा था वो चैनल से, क्या उस पर फॉल्स ब्रेकआउट आता था, अगर वो आता था तो मैं वेट करूँगा कि अगली कैंडल क्लोज करे, अगर नहीं आता था तो मैं इसी कैंडल पर बाय पोजिशन बना सकता हूँ, ठीक है। Do you wait to make stock to make pattern then trade or how you choose stock one day before means or what basis? Yeah, basically जब pattern बन जाता है, जब एक रेंज पे होता है स्टॉक और अपने resistance या support पे होता है, तो उसी रेंज के अंदर कुछ ऐसे चीज़ें बनती हैं जो मुझे बता देती हैं कि हाँ अब ये स्टॉक नीचे तोड़ सकता है या ऊपर तोड़ सकता है, तो मैं आप लोगों को एक दिन पहले रिकमेंड कर देता हूँ, ठीक है। Hi sir, just a quick query. Whatever stock you suggest to us any day, same day, you also trade that day? No. देखिए मैं आपको बता देता हूँ, हाँ मैं आपको बताता हूँ। आप ये देखिएगा, जब भी मैं डेली बेसिस की स्टॉक्स की रिकमेंडेशन लेकर आता हूँ, आप जब भी चार्ट्स को ओपन करेंगे, क्या मैंने कभी भी उस चार्ट पे टाइम फ्रेम डेली चार्ट से नीचे का रखा? ना मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे चार्ट को कभी आपको एक्सप्लेन करा, ना 15 मिनट, ना आधे घंटे, ना 5 मिनट। हमेशा जो स्टॉक में लेकर आया हूँ डेली टाइम फ्रेम पे लेकर आया हूँ। क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि डेली टाइम फ्रेम पे इंट्राडे हो सकती है? हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे इंट्राडे नहीं हो सकती, बट मेरे स्टॉक्स आप लोगों को खुद देख रहे हैं और डेली टाइम फ्रेम पे इंट्राडे हो सकती है। और मैंने कभी भी आप लोगों के लिए जब भी वीडियो लेकर आया हूँ, मैंने ये नहीं कहा इसका 2-3 रुपये का ऊपर का टारगेट है। मैं आपको यही कहता हूँ, ये 5% का स्टॉक रिटर्न दे सकता है 2-3 दिन में, बट आप इंट्राडे के लिए इसको 4-5 रुपये में बाय कर सकते हैं। तो हाँ, मैं इंट्राडे पे उन 5 स्टॉक्स में से कुछ 1 या 2 स्टॉक्स बाय कर लेता हूँ अपने लॉन्ग टर्म के लिए, जो मुझे लगता है कि 20-25% का रिटर्न दे सकते हैं। I learn different patterns also apply them 90% it has work I do to swing trading that I learned from you. Thank you sir for your knowledge that you share. I am just a 18 year old boy and you helped me a lot to learn. And sir please let me know when you start investing in stock market. I suggest you, मैं अभी ही इसी साल मैंने invest करना start करा, और thank you so much आप लोगों को जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं knowledge share कर रहा हूँ, उससे आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। सर आई saw इन सम chart दैट वॉल्यूम ऑफ अ स्टॉक was वेरी हाई, लाइक हाई कंपेरेटिव टू प्रीवियस 20-25 कैंडल्स, बट द साइज ऑफ द कैंडल was वेरी स्मॉल, वट डज इट इंडिकेट? ठीक है, सो इनका कहने का मकसद ये है कि जो कैंडल का साइज छोटा है बट वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा है एज कंपेरेटिव टू प्रीवियस 25 कैंडल्स। सो ये क्या रिकमेंड करती है? देखिए ये 2 चीज़ें रिकमेंड करती हैं, मैं कभी कभार इसके बेसिस पे भी ट्रेड कर लेता हूँ, और ये 2 चीज़ें रिकमेंड करती है। सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक का ट्रेंड क्या है। अगर वो स्टॉक ऊपर जा रहा है बहुत टाइम से, और उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि हायर साइड में वो छोटी कैंडल्स बना रहा है बट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। प्रीवियस टू जब ये ऊपर जा रहा था तब इतने वॉल्यूम्स थे, ठीक है,
तब इतने वॉल्यूम्स थे, बट जब यहाँ छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है हायर साइड में तब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं। सो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर रिवर्सल आने वाला है, ठीक है, यहाँ पे अब एक रिवर्सल आने वाला है, इतनी बात आप लोग समझ गए। सो इस बेसिस पे भी हम लोग ट्रेड करते हैं। अगर स्टॉक जनरली ऊपर जा रहा है, आप छोटी कैंडल्स बना के हायर वॉल्यूम्स आ रहे हैं, सो हायर वॉल्यूम्स यही इंडिकेट कर रहा है कि अब प्रॉफिट बुकिंग इधर साइड आ रही है हल्के हल्के, और अब स्टॉक यहाँ से नीचे आ सकता है। सो जनरली ये रिकमेंड करता, तो इस बेसिस पे आप अपना काम कर सकते हैं। आई सर, आई यूज MACD RSI बोलिंजर बैंड्स। अच्छा, इनका क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इनका क्वेश्चन ये, मैं तीनों चीज़ें यूज़ करता हूँ अपने चार्ट्स पे, बट जब MACD बाय बताता है तो RSI नहीं बताता, जब बॉलिंगर बैंड्स बताता है तो MACD नहीं बताता, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो मैं किस तरीके से ट्रेड करूँ और आप किस तरीके से ट्रेड करते हैं। सो बेसिकली मैं आपको बता दूँ, मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं कर सकता, ना मैं बॉलिंगर यूज़ करता हूँ, ना मैं RSI यूज़ करता हूँ। हाँ, मैं MACD यूज़ करता हूँ अपना एक कॉन्फर्मेशन पाने के लिए, अगर वो मुझे नहीं भी देता तो भी मैं ट्रेड ले लेता हूँ। मैं प्योरली प्राइस एक्शन पे काम करता हूँ, प्योरली प्राइस एक्शन पे, ठीक है। मैं ना वॉल्यूम्स देखता हूँ, ना मैं कुछ देखता हूँ। हाँ, मैं कभी कभार मूविंग एवरेज यूज़ कर लेता हूँ, बट मैं वो भी 20 डेज, 50 डेज, 200 डेज, 100 MA यूज़ नहीं करता। मेरे खुद के अलग से मूविंग एवरेज मैंने बना रखे हैं, मैं उन्हें ही यूज़ करता हूँ। सर काइंडली टेक मी व्हाट वी शुड नॉट डू इन मार्केट शॉर्ट मार्क्स, तो शॉर्ट मिस्टेक्स दैट कैन क्रिएट ब्लंडर, हाउ कैन वी क्रिएट टू लॉसेस। अच्छा, तो इनका क्वेश्चन है कि हम लॉसेस करने से कैसे बचें। सिंपल रूल्स हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सिंपल रूल्स फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली कमाओगे। अब पता नहीं आप लोग करो ना करो, मैं आपको बता देता हूँ, जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं मैं उन लोगों को हर सुबह ये रूल्स भेज देता हूँ कि उन्हें इम्प्लीमेंट करना है। 5 स्टॉक्स भेजे मैंने आप लोगों को, अब आप लोगों को नहीं पता कि आप लोगों को कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना है। आपने मेरी यूट्यूब वीडियो देख ली, 5 स्टॉक्स मैंने आप लोगों को भेज दिए, अपनी वॉच लिस्ट पर रख लो। वॉच लिस्ट पर रखने के बाद आपको क्या करना है, आपको जैसे इस 5 स्टॉक्स के अंदर कुछ स्टॉक्स होते हैं जो 1000 रुपये में भी चल रहे होते हैं, कुछ स्टॉक्स होते हैं जो 200 रुपये में भी चल रहे होते हैं। आपको क्या करना है, सेम क्वांटिटी, ठीक है, सेम क्वांटिटी बाय करनी है। चाहे 1000 रुपये का शेयर है तो आपको इसमें अगर आप 100 कर रहे हो तो 200 रुपये वाले शेयर में भी आपको 100 क्वांटिटी बाय करनी, ठीक है। ये नहीं सोचना कि 200 रुपये का शेयर सस्ता है तो मैं 1000 क्वांटिटी बाय कर लेता हूँ, 1000 रुपये का शेयर महंगा है तो मैं 100 कर लेता हूँ। बहुत लोग ये गलतियाँ करते हैं और एक्चुअल में वो लोग लॉस में निकलते हैं, ठीक है। तो सेम क्वांटिटी बाय करो, 5 स्टॉक्स पे आपको 5 स्टॉक्स मैंने रिकमेंड करे, उसमें से अगर 3 चलते हैं, अगर 3 भी चलते हैं हमारे हिसाब से, तो आपको तीनों में ट्रेड करना है, ठीक है, आपको तीनों में ट्रेड करना है। ये नहीं कि मैं 5 में से अगर 3 चल रहे हैं तो मैं 3 में से भी किसी एक में ट्रेड करता हूँ, नहीं, आपको तीनों में ट्रेड लेना है, सेम क्वांटिटी में काम करके चलना है, और आपको ब्रैकेट ऑर्डर का यूज़ करना है हमेशा, और अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को रख देना है, ठीक है, लगा के, और वहाँ पर आप बैठेंगे तो आप डेफिनेटली लॉस करने से बच जाएंगे। As you are a veteran in the stock market, yeah. So I want to know your observation about this market and what are the do's and don'ts for the newcomers which should follow in to survive long in this market. देखिए, जब भी मैंने आपको rules बताए, rules definitely follow करिए, so आपको यहाँ पर जो do's हैं वो आपको करने में पता चल जाएगा। Don'ts क्या है कि market पे कभी भी प्रॉफिट को चेस नहीं करना और लॉसेस को भी चेस नहीं करना, मतलब लॉसेस हो रहे हैं एग्जिट करो, और ये नहीं कि अगले दिन मैं आऊँगा तो मुझे लॉसेस को रिकवर करना है तो मैं मल्टीपल ट्रेड्स लूँगा, नहीं, पूरे दिन में मैक्स टू मैक्स 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेने, तीनों ने लॉस दे दिया तो भी निकलो, 2 ने दे दिया तो भी निकलो, और 3 दे के आप निकल जाओ। I'm been learning to invest in intraday. Here are my experience. First day I traded with market value buy and sell by seeing the charts. Second day traded early hours without watching the market, end up with loss. Didn't set a trigger price, market buy sell order purchase. Okay, simple. आप देख सकते हैं इनका भी यही है कि अगर आप losses अपना stop loss set नहीं करेंगे, so अगर आप market को watch नहीं करेंगे तो आप eventually market पे loss पे ही निकलेंगे, ठीक है। इनका एक्सपीरियंस पढ़ लेते हैं। आई लॉस्ट 6 मंथ आफ्टर एंटरिंग मार्केट इन द स्टॉक मार्केट इन द 2018 एंड नाउ फ्रॉम द लास्ट 1 मंथ आई स्टार्टेड अगेन। देखिए, 6 लाख रुपए 2018 के मार्केट पे गवा चुके हैं अभी तक। अब लास्ट मंथ आई स्टार्टेड अगेन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग मार्केट। अब ये मार्केट को अंडरस्टैंड करके आए हैं। नाउ आई एम अर्निंग 200 to 300 rupees व्हेन आई ट्रेड आफ्टर वॉचिंग योर वीडियो। थैंक यू सो मच भाई। टेल मी व्हेन आर यू इन द स्टॉक मार्केट, हाउ यू चूज स्टॉक। देखिए, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। क्या आप संजीव भसीन के बेटे हो? नहीं नहीं
संजीव भसीन से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, बस हाँ सरनेम हम लोगों के सेम है, वरना हमारा कोई रिश्ता नहीं है। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, ऐसी क्वेरीज के सेशंस हम और लेकर आएंगे हर फ्राइडे को। सो वीडियो पे अगर आप लोगों को पसंद आए, कुछ आपके क्वेरीज क्लियर हुए, डाउट्स क्लियर हुए, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। और आज वीडियो आने वाली है जो कि हम आपको मंडे के ट्रेड्स देंगे, तो उसको भी आप वॉच कर सकते हैं।